लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में आज जो हादसा हुआ वहाँ पर विजय सिंह भी उस दौरान हादसे के वक्त वहाँ मौजूद थे। विजय जी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी मैं पहले से थोड़ा सही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी दर्द हो रहा है, सर में चोट लगी है और हाथ पे भी स्टिचर लगे हुए हैं। आप वहाँ कौन से फ्लोर पे काम कर रहे थे? जी, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे किस चीज़ का ऑफिस था वो? ये मेडिसिन का जी। क्या हुआ अचानक से, मतलब ये सब कुछ कैसे? अचानक से नीचे ग्राउंड फ्लोर ने बताया, गाड़ियाँ बता रही थी वहाँ पे, हम लोग काम कर रहे थे अंदर गोडाउन में, तो बताया कि नीचे पिलर क्रैक हुआ है हल्का सा। अच्छा जी, दूसरे का पिलर क्रैक हुआ तो हम लोग इन्फॉर्म किया, सब लोग देखने गए नीचे आके। हाँ। देखा तो हम लोग पता चला, ऑफिस से बात करी मेरे ऑफिस से, गोडाउन बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया, बंद कर दिया गया पूरा। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आए, बारिश हो रही थी तो एक पिलर से पूरी बिल्डिंग तो गिरी ही नहीं, लोगों ने यही सोचा, सभी लोगों ने यही सोचा, तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे यहीं पर गेट के पास, और अचानक बिल्डिंग गिर गई 5-10 मिनट। मतलब ये पता चल गया था कि पिलर क्रैक है और कुछ हो सकता है। तो सारे लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे। गोडाउन भी बंद कर दिया गया था, लॉक हो गया था। मतलब कोई ऊपर नहीं था, कोई बीच बचा? हमारे गोडाउन में कोई नीचे नहीं बचा था, नीचे गोडाउन में भी, नीचे वाले गोडाउन के भी लोग बाहर आ चुके थे काफी लोग। और जो सबसे ऊपर वाला गोडाउन था, दो ही गोडाउन थे, ऊपर वाले गोडाउन में कुछ नहीं रहता है। अच्छा, खाली था। कितने लोग कुल रहे होंगे? लगभग रहे होंगे नीचे से ऊपर 50-50 लोग रहे, 50-60 लोग रहे होंगे ऊपर नीचे मिला के। और ये बिल्डिंग अचानक से गिरी? बिल्डिंग अचानक गिर गई। कितने लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी हमारे नॉलेज जो हमारे ब्रांच के ऑफिस के हैं, एक लोग फंसे हुए हैं, एक लोग नहीं मिले हैं। अच्छा, तो पर ये सारे लोग आप बता रहे हैं बाहर की तरफ आ गए थे? जी जी। लेकिन जब बिल्डिंग गिरी तो फिर वो जब गए, हम लोग कंटेनर के नीचे छुप गया था मैं। अच्छा, तो चोट कम लगी, जैसे बिल्डिंग गिरी थोड़ा सा धक्का मुझे लगा, मैं कंटेनर नीचे छुप गया। और बाकी आपके साथ कितने लोग लगभग निकाले गए थे उस समय? बाकी जो हमारे सामने ग्रुप के 2-3 लोग निकाले गए, बाकी इधर जो ऑयल को गोडाउन उससे भी काफ़ी लोग 6-7 लोग निकाले गए, बाकी कुछ लोग तो भाग के बचे थे जी। और लोग कहाँ कहाँ छुप के वहाँ बचे थे, किस तरीके से बचे? बाकी कुछ कंटेनर नीचे छुपे, कुछ दीवार के बगल में एकदम से बिल्कुल, या फिर कुछ जीना वगैरह उसके नीचे। रोज आप लोग यहाँ काम करने आते हैं, कभी सोचा था मतलब यहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ इस तरीके का हादसा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो गया। अचानक सब आज ही हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ना, पिलर विलर कुछ कोई दिक्कत आई नहीं बिल्डिंग में अभी तक। 2 महीने से मेरा गोडाउन शिफ्ट हुआ यहाँ का। 2 महीने पहले ही हुआ था जी, जुलाई में। अच्छा, तो आप भी 2 महीने पहले यहाँ? 2 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पर बाकी ब्रांच हमारी दूसरी जगह 8 नंबर पार्किंग की बस्ती पहले ये गोडाउन, जैसे वहाँ माल लगता था वहाँ वैसे भी गोडाउन वैसे लगता था। अभी सर में चोट है, हाथ में चोट है? सर में भी चोट है, हाथ में चोट है। क्या बोला है डॉक्टर ने? कैसे डॉक्टर ने बोला, स्टिचेस लगाए हाथ में थोड़ा पटा था और सर में चोट गया, बाकी सिटी स्कैन वगैरह एक्सरे वगैरह हो गया। बिल्कुल, तो देखिए ये वो पीड़ित हैं जो उस दौरान, इन लोग को आधे घंटे पहले के करीब में इस बात का पता चल गया था कि बिल्डिंग का जो पिलर है उसमें क्रैक आ रहा है, और इस कारण ये लोग बाहर भी निकले थे पर बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पाए, और अचानक से जब बिल्डिंग गिरी तो ये सब उसमें फंस गए। हालांकि अभी भी इनके साथ ही उसमें फंसे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।